hello students welcome to my channel city commerce concepts and so students today we are uh, going to next topic that is controlling एंड स्टूडें द फर्स्ट वीक कंप्लीट द सलेबस कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया फॉर द एम सी क्यू एंड द इपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ऑल द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर तो स्टूडेंट्स मैं एक बार बता दू मैं फर्स्ट सबसे पहले, पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करूंगी एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग द सलेबस मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और uh, जो भी हमारे अपकमिंग uh, एग्जाम में अभी आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन के प्रिपरेशन आपको जरूर कराऊँ सो स्टूडेंट्स फर्स्ट वीक कंप्लीट the syllabus learn all the things and then we go to the next to the question answers sessions and the test sessions so let's begin the new chapter that is controlling okay so students what is controlling we have learned all the functions of management ठीक है हमने डायरेक्टिंग भी पढ़ा कि और ये सारी चीज़ें हम किसके बेसिस पे पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी ये चीज़ें कैसे ज़रूरी हैं कैसे मैनेजमेंट के लिए क्या क्या फंक्शंस होते हैं जिसमें हमने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग कंट्रोल स्टाफिंग डायरेक्टिंग हमने पढ़ा एंड देन द नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग सो द कंट्रोलिंग क्या है कंट्रोलिंग इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर ठीक है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोई एक कंट्रोल पावर होना चाहिए कि कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से कंट्रोल करे। कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मड एज़ पर द प्लान्स यानी कि उनका मेन काम क्या होता है कि वो ये इंश्योर करें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लान्स एग्जीक्यूट किए गए हैं वो क्या वो अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं

ना कम टू द नेक्स्ट स्टूडेंट दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्रोलिंग के लिए कंट्रोलिंग की ऑर्गेनाइजेशन में तो फर्स्ट इज कंट्रोलिंग हेल्प एन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो कंट्रोलिंग क्या है गोल ओरिएटेड प्रोसेस है ठीक है तो उसके लिए क्या है कि पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि कंट्रोलिंग क्या है किसमें हेल्प करती है आपको कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें सो द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स दर्गनाइजेशन गोल्स एंड एविएशंस इफ एनी टू करेक्टिव एक्शन यानी कि अगर कंट्रोलिंग का मेन काम क्या है कि वो क्या करती है वो अपने जितने भी इम्प्लॉयज हैं उनके प्रोग्रेस को देखती है किस टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल यानी कि हर इम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है वो सही से तरीके से सही डायरेक्शन में काम कर रहा है कि नहीं ठीक है ये सब देखना जो है कंट्रोलिंग का एक इंपॉर्टेंस है नेक्स्ट इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स An efficient control system enables management to verify whether the, standard, whether the standards set are accurate or not by carefully checking the changes taking place in an organizational environment. Okay, so students, so the next importance of controlling is judging accuracy of standards. यानी कि कंट्रोलिंग क्या कर रहा है एक ऐकोरेसी अपने ऑर्गेनाइजेशन की क्या उसके वो किस कितने स्पीड से अच्छा वर्क कर रहा है क्या एकोरेसी है उसके इम्प्लॉयज़ की क्या स्टैंडर्ड्स है उसको चेक कर रहा है कैसे सो द एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम इनेबल्स मैनेजमेंट टू वेरीफाई क्या देख रहे हैं वेदर सेट आर एक्ोरेट और नॉट यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आप जिससे जो भी काम कर रहे हैं क्या वो एक स्टैंडर्ड एक बना है कि नहीं है लोगों ने किस तरीके से उसको एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचाया है कि नहीं ठीक है ये देखना आप ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स क्या है कंट्रोलिंग का मेन फंक्शन मैं अभी भी आपको बता दूँ आप किसी भी वर्क में वर्क प्लेस पर वर्क कर रहे हैं तो आप ये जरूर इंश्योर करते होंगे कि उसको क्या उसका बार उस कंपनी का बढ़ता जाए तो वो कब बढ़ेगा जब उसको कोई मैनेजर ये देखेगा कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो अपना वर्क अच्छे से कर रहा है या नहीं ये मतलब ऐसा तो नहीं कि एक दो एम्प्लॉय की वजह से कंपनी का क्या जो नेम फेम है वो क्या है वो डाउन हो जाए तो क्या होगा कि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा आ, नाम आ सकता है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है इसमें एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करते है? तो उसके लिए और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए क्या जरूरी होता है कि हम एक स्टैंडर्ड एक बार को स्टैंडर्ड बार को हम जो है एक मार्क दें कि हाँ हमारी जो कंपनी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है Now, next is making efficient use of resources. एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रो कंट्रोलिंग प्रोसेस एनेबल्स अ मैनेजर टू रिड्यूज़ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यस तो मैनेजर का काम क्या होता है कि जो भी हमारे एफिशियंट रिसोर्सेज है हमारे कंपनी का उसके यूज़ हर कोई एक एम्प्लॉई अच्छे से करे और जो हमारे काम का नहीं है या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम का नहीं है उसको क्या है वो उसको हम बाहर निकाल दें नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉयन मोटिवेशन मोटिवेशन अगेन फिर से वही सबसे इंपॉर्टेंट आप किसी भी फंक्शन में मोटिवेशन हर एक एम्प्लॉय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक इम्पोर्टेंस होती है सो एन एफिशियंट कंट्रोल सिस्टम इंश्योर्स दैट इम्प्लॉय नो वेल इन एडवांस वॉट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस ठीक है देखिए इसमें क्या है कि एक एफिशियंट कंट्रोल सिस्टम को हमने क्या बताया है कि इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन वो हमें कब पता चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो एम्प्लॉय नो वेल इन एडवांस वॉट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड ऑल्सो द स्टैंडर्ड्स ऑफ द परफॉर्मेंस अगर वो अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम उन्हें उतना अच्छा लाके देंगे तो उसके लिए क्या होगा वो हमारे लिए और अच्छा परफॉर्म करेंगे इट दिस मोटिवेट्स एंड हेल्प्स देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस क्योंकि देखिए हमने लास्ट फंक्शन में भी सुना है और पढ़ा भी है कि अगर हम एम्प्लॉय की बात को अच्छे से सुनेंगे तो क्या होगा कि एम्प्लॉय भी जो है अपना हंड्रेड परसेंट देगा नेक्स्ट आता है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन

प्री डिटर्माइन स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर गवर्निंग इज डिपार्टमेंट इन एम्प्लॉय एंड ऑर्गनाइजेशन तो ये कॉर्डिनेशन अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंस है तो स्टूडेंट्स आप देखिए क्या होता है कि कॉर्डिनेशन मोटिवेशन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ना जो आपको अगर आप किसी भी फंक्शन में लिखोगे ना वो कभी भी गलत नहीं होंगे ये इंपॉर्टेंस फंक्शन ये एक अगर आप इस ये दो चीज़ें भी लिख लिखते हो ये कभी भी आपके पॉइंट्स गलत नहीं होंगे क्योंकि हमारी कोई भी कंपनी हो वो ये दो चीज़ हमेशा हर किसी से हर एम्प्लॉज से एक्सपेक्ट करती है पहला कि मोटिवेशन जरूर होना चाहिए एम्प्लॉज़ के लिए दूसरा कॉर्डिनेशन होना चाहिए तो कॉर्डिनेशन क्यों होना चाहिए क्योंकि अगर हर डिपार्टमेंट में कॉर्डिनेट होगा तभी क्या होगा अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे हम एम्प्लॉइज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में